वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज योर सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल स्टडी एंड टुडे वी लर्न चैप्टर नंबर 3 पीपल हु हेल्प। इन दिस मीनिंग इज जो भी पीपल हमारी हेल्प करता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज पीपल हु हेल्प अस एंड सर्विस प्रोवाइड बाय देम। कौन पीपल हमें हेल्प करता है और उसके द्वारा हमें कौन सी सर्विस मिलते हैं वो लर्न करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। वी नीड द हेल्प ऑफ मैनी पीपल इन आवर डेली लाइफ। वी रिफर टू देम अस आवर हेल्पर्स। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे पीपल हमें हेल्प करते हैं, उसे हमारे हेल्पर्स भी बुला सकते हैं। फर्स्ट डे पीपल वो हेल्प अस एंड सर्विस प्रोवाइड बाय देम। इसमें देखेंगे हम कि कौन पीपल हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है, ये पिक्चर देख के हमें लगता है ये डॉक्टर हैं। सी दिस, अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी गेट सिक। जब भी हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर हमें ट्रीट करते, यानी कि हमारा ख्याल करते हैं और हमें ठीक करते हैं। सो डॉक्टर हमें ऐसी सेवाएं देते हैं। देन है नर्स। अ नर्स लुक्स आफ्टर व्हेन वी आर सिक। जब भी डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं उसके बाद जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखरेख रखती है, तो नर्स वो काम करती है। टेन पिक्चर है पुलिसमैन। अ पुलिसमैन टेक्स केयर ऑफ आवर सेफ्टी। पुलिसमैन है वो हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। देन टीचर। अ टीचर टीचिस अस एंड हेल्प्स अस विथ अवर स्टडी। टीचर है वो हमें टीचिंग में हेल्प करते हैं और हमारी स्टडी में भी वो बहुत सारी हेल्प करते हैं, वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। देन मेड। अ मेड हेल्प्स अस इन डोमेस्टिक वर्क। मेड का मतलब है घर पे, जो घर पे काम करने वाली लड़की होती है उसे कहते हैं मेड। मेड हमें हमारे डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर का जो काम है वो करने में हेल्प करती है। देन अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू अवर होम। लुक द पिक्चर, मिल्कमैन का पिक्चर है। मिल्कमैन हमें हमारे घर पे मिल्क डिलीवर करते हैं। देन ये सब्जी बेचने वाला। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ग्रीन ग्रोसर यानी हरी सब्जियों बेचने वाला हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बेचते हैं। देन अ बस्चर सेल्स मीट। बस्चर यानी कसाई। कसाई हमें मीट यानी मांस बेचते हैं। देन पोस्टमैन। पोस्टमैन का पिक्चर है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर टू अवर होम्स। पोस्टमैन है जो हमें हमारे घर तक लेटर डिलीवर करता है। देन पिक्चर है प्लम्बर। अ प्लम्बर फिक्स एंड रिपेयर पाइप्स एंड टैप्स। प्लम्बर है वो घर के जो खराब हुए हुए पाइप्स और टैप्स वो उसे रिपेयर और उसे नए भी लगा देते हैं। देन पिक्चर दिख रहा है हमें फार्मर का।
A farmer grows crops for us to eat. जो farmer है वो हमारे लिए crops यानी दाना, वो हमारे लिए grows दाना उगाते हैं और हमारे खाने के लिए. Then mason, mason यानी कड़िया. A mason builds our house, building etc. जो mason यानी कि कड़िया है वो हमारे घर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो सभी बनाते हैं. देन पिक्चर है कॉबलर. अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज. कॉबलर यानी मोची, मेंड्स यानी बनाना. कॉबलर हमारे शूज बनाते हैं. देन पिक्चर दिख रहा है हमें वॉशरमैन का. अ वॉशरमैन वॉशिस एंड आयरन अवर क्लॉथ्स. वॉशरमैन है वो हमारे कपड़े धोते हैं और उसे आयरन भी करते हैं. देन गार्डनर. गार्डनर यानी माली. अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन द गार्डन और पार्क. जो गार्डनर है वो पार्क में और गार्डन में जो भी प्लांट्स है उसकी देखरेख रखते हैं. देन पिक्चर है कारपेंटर. और कारपेंटर मेक्स एंड रिपेयर फर्नीचर. कारपेंटर है वो फर्नीचर बनाते हैं और उसे रिपेयर भी करते हैं. देन नेक्स्ट है स्वीपर. A sweeper collect garbages and help us to keep our neighborhood clean. जो sweeper है यानी कि वो garbages, garbage यानी कचरा, वो उसे collect करते हैं और हमारे neighborhood को clean करने में वो हमें help करते हैं. Then electrician. An electrician fixes and repair light and other electrical फिटिंग्स. जो इलेक्ट्रिशियन है वो लाइट फिक्स और रिपेयर करते हैं और अदर जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो उसे भी फिटिंग करते हैं. देन है फायर फाइटर. और फायर फाइटर हेल्प्स अस इन द केस ऑफ फायर. जब भी आग लगने वाली कोई भी चीज़ है वो केस जब भी होता है तभी फायर फाइटर हमें हेल्प करते हैं. दे कम इन अ बिग रेड फायर इंजन. वो बड़े से लाल रंग के इंजन में आते हैं. ही स्प्रे वाटर ऑन द बर्निंग बिल्डिंग. वो जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे वाटर स्प्रे करते हैं एंड पुट्स द फायर आउट और हमें आग से बाहर निकालते हैं. यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट दी है. टू कॉल अ फायर ब्रिगेड वी हैव टू डायल 101 ऑन द टेलीफोन. जब भी कहीं पे भी आग लगी हो तो हम 101 डायल करके उसे फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं. वी शुड नॉट बी रूड टू देम. हमें उसके साथ रूड यानी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट एंड बी काइंड टू द पीपल हु हेल्प अस. जो भी पीपल हमें हेल्प कर रहा है उसके साथ हमें ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट. वंदे मातरम.